नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचएस टेक सिरसा टेक्निकल चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यूजिंग ए पेन ड्राइव एज ए कंप्यूटर रैम। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो कंप्यूटर हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप कोई भी है, उनमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि हमें अडोब फोटोशॉप चलाना है, हमें कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चलाना है, हमें किसी भी तरह का कोई सॉफ्टवेयर चलाना है, तो उसके लिए दोस्तों मिनिमम रैम की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम गूगल खोलते हैं, मान लीजिए हमने लिखा अडोब रीडर फोटोशॉप, तो जो फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि मिनिमम जो आपका पीसी है वो इतना प्रोसेसर। और ये देखिए, तो अडोब फोटोशॉप अगर आप चलाना चाहते हो तो आपके पीसी का जो रैम है वो 8 GB होना चाहिए और प्रोसेसर डायरेक्ट एक्स सपोर्ट करता हो, 2 GB CPU मेमोरी हो, सॉरी GPU ग्राफिकल प्रोसेसर हो, 1280x800 का मिनिमम डिस्प्ले सपोर्ट करता हो। पर मेन प्रॉब्लम है दोस्तों यहाँ पर रैम। ये रैम हर सॉफ्टवेयर अपने रिक्वायरमेंट मानता है, जैसे कि 8 GB रैम। एक सॉफ्टवेयर आता है अडोब का ही, जिसका नाम है अडोब प्रीमियम के नाम से आता है, प्रीमियम प्रो सिस्टम रिक्वायरमेंट देते हैं। सॉफ्टवेयर के लिए भी अच्छी खासी रिक्वायरमेंट चाहिए, तो देखिए हर सॉफ्टवेयर को 8 GB रैम मिनिमम चाहिए। अब मोस्टली आप कंप्यूटर लेते हैं, नॉर्मल जो डेस्कटॉप या लैपटॉप पर लेते हैं, उनके अंदर रैम कितनी होती है, 4 GB, 2 GB, तो 8 GB रैम भी मोस्टली होती है। हम आपको दिखा दें, मेरा जो ये कंप्यूटर है इसका अगर हम अभी रैम देखें, तो माई कंप्यूटर में जाए, राइट क्लिक करें, इस कंप्यूटर में प्रॉपर्टी में जाए, तो यहाँ आपको रैम दिखता है। हमने इसमें 32 GB रैम लगा रखा है, ये यहाँ दिखाई दे रहा है इंस्टॉलिंग मेमोरी 32 GB। तो हमने 32 GB रैम लगा रखा, हर पर्सन ये रैम नहीं लगाता, 2 GB 4 GB रैम होती है। आपके आइडिया के लिए बता दूं, 32 GB की जो रैम इसमें लगी हुई है उसकी कॉस्ट 15,000 रुपये है। तो दोस्तों ये रैम काफ़ी कॉस्टली आती है, बट परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं बेटर एक सोल्यूशन, स्मॉल सा सोल्यूशन है दोस्तों। आपके पास होनी चाहिए एक पेन ड्राइव, ये पेन ड्राइव है 32 GB का पेन ड्राइव है, जिसकी मार्केट में कीमत 300-400 रुपये होगी। तो इस पेन ड्राइव के जरिए हम एज ए रैम यूज करेंगे। आओ टाइम ना लगाते हुए दोस्तों हम जल्दी चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि पेन ड्राइव को एज ए रैम कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों उसके लिए आपको जाना है माई कंप्यूटर में, माई कंप्यूटर में दिस पीसी, यहाँ पे आपका एच ड्राइव, डी ड्राइव जो मेरा है, उसके साथ ही मेरा पेन ड्राइव आ रहा है। ये पेन ड्राइव बिल्कुल ब्लैंक है, 32 GB है समथिंग, फॉर्मेट होने के बाद, सेक्टर बनने के बाद इसका स्पेस आ रहा 28 GB। तो इन 28 GB का हम रैम यूज करेंगे, करना क्या दोस्तों देखते हैं। पर उससे पहले एक अपील दोस्तों, अगर आप हमारे को वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। हमारा चैनल है गाइज, आप यूट्यूब पे जाएं, किसी भी यूट्यूब पर youtube.com खोलें, आप वहाँ सर्च कर सकते हैं नेम से सिरसा। अगर आप नेम सिंह सिरसा सर्च करेंगे विदाउट स्पेस स्मॉल लेटर में तो हमारा चैनल आ जाएगा दोस्तों। ये हमारा चैनल है एचएस टेक, 46 वीडियो इस पे है और इस चैनल पे जाकर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, वेलकम टू, तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन आएगा आपके पास, या हमारी जो भी आप वीडियो चलाएंगे उसके नीचे यहाँ सब्सक्राइब बटन रहेगा, या हम किसी आईडी से लॉग इन है देगा, तो आप किसी और आईडी से लॉग इन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आते हैं अपनी जगह, हमें पीसी का रैम, हमारे पास तो पहले ही 32 GB रैम है इस पीसी में, पर अगर किसी पीसी में रैम कम है तो उसको छोटा सा काम करना है दोस्तों, माई कंप्यूटर पे जाना है, जो पेन ड्राइव आपने सेलेक्ट किया हुआ है उस पर राइट क्लिक करना है, उसके बाद प्रॉपर्टी में जाना है, प्रॉपर्टी में ऑप्शन आएगा रेडी टू बूस्ट, इस ऑप्शन में। तो यहाँ दोस्तों डू नॉट यूज दिस डिवाइस होगा, सेकेंड ऑप्शन है डेडिकेटेड दिस डिवाइस टू रेडी टू बूस्ट एंड यूज डिवाइस, तीन ऑप्शन है। डू नॉट पे बाय डिफॉल्ट रहेगा, इसका मतलब है दोस्तों कि ये पेन ड्राइव एज ए पेन ड्राइव यूज होगी, ना कि रैम यूज होगी। अगर आप इसे डेडिकेटेड कर देंगे तो इस रैम का जितना भी ब्लैंक स्पेस है, अगर इसमें डेटा भी है तब भी आप इसको फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है, आप इसमें रैम का यूज कर सकते हैं, बचा हुआ स्पाइस, या आप यूज दिस डिवाइस, ये ऑप्शन लेंगे तो आप यहाँ स्पेस को घटा बढ़ा सकते हैं, या आप किसी भी कितना चाहिए, तो हमारे पास पूरी फ्री है, पूरी GB इसको ले लेते हैं। तो जैसे आप अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे तो देखिए पेन ड्राइव पूरा यूज हो गया, रेड कलर में आ गया, आपका पेन ड्राइव एज ए रैम वर्क कर रहा है दोस्तों,
अब ये 28 GB रैम की तरह पीसी पर देगा। तो अगर आपके पीसी में रैम कम है तो आप इस तरीके से इसको यूज करते हैं। अगर आप इस पेनड्राइव को खोलेंगे तो इसमें फोल्डर रहेगा रेडी टू बूट, इसका मतलब है आपकी जो पेनड्राइव है वो कम्प्लीटली रैम के रूप में यूज हो रही है। अगर दोस्तों आपको रैम नहीं बढ़ानी, इसको कम करना है, ये यूज नहीं करना, राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी में जाए, रेडी टू बूस्ट में जाए और डू नॉट डिस्टर्ब कीजिए। आपकी पूरी की पूरी पेनड्राइव आपके लिए अवेलेबल डेटा रखने के लिए, आप इसमें डेटा रखिए, कोई फॉर्मेट की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। देखिए मैं इसमें फोल्डर बना रहा हूँ, और भी एग्जैक्टर जो डेटा आप रखना चाहते हैं आप यहाँ रख सकते हैं। देखिए मैंने डेटा भी रख दिया इस पेनड्राइव में। अब मैं इसे रेडी टू यूज करता हूँ, अभी रेडी टू बूस्ट में गए, ऑप्शन है डेडिकेटेड टू डिवाइस, इसका मतलब बचा हुआ स्पेस अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए, आपका पेनड्राइव का बचा हुआ स्पेस, पेनड्राइव पूरा यूज, बाकी का स्पेस रैम में इस्तेमाल होगा, और जो आपका डेटा है वो भी देखिए पड़ा है, आपके डेटा को कोई लॉस नहीं है, डेटा फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है, जो आपका डेटा है वो एज इट इज रहेगा दोस्तों। प्लस एक फोल्डर बन जाएगा, एक फाइल बन जाएगा रेडी टू बूस्ट, दैट मींस ये पीसी इस समय एज ए रैम यूज कर रहा है। चेक करने का तरीका बताते हैं, कंट्रोल और डेल मारिए, टास्क मैनेजर पर जाए, टास्क मैनेजर में जाने के और भी तरीके हैं पर मैं इजी इसको मानता हूँ, परफॉर्मेंस में जाए तो यहाँ देखिए आपके कंप्यूटर का सीपीयू मेमोरी, ये वाली मेमोरी वो है जो मेरे कंप्यूटर में इंटरनल यूज हो रही है। उसके बाद डिस्क जीरो मेरी हार्ड डिस्क है COD, और उसके बाद डिस्क वन ये जो एफ ड्राइव आ रही है ये रिमूवेबल ड्राइव एज ए रैम यूज हो रही है दोस्तों। यहाँ पे इस्तेमाल क्या हो रहा है एज ए रैम मेमोरी, देखिए दोस्तों है ना जीनियस, आपने आपकी जो पेन ड्राइव है देखिए आपके सामने है, इस पेन ड्राइव से हम ना कोई डेटा कॉपी कर रहे हैं ना इसमें कोई डेटा डालने हैं, फिर भी ये यूज हो रही है, इसका सबूत आपके सामने है दोस्तों। टेस्टिंग यहाँ देखिए रैम बार ये पेन ड्राइव 12% 10% क्यों यूज हो रही है, जबकि हम तो इसमें कोई डेटा ही नहीं ट्रांसफर कर रहे, कुछ कर ही नहीं रहे, मगर दोस्तों ये पीसी इस पेन ड्राइव को एज ए रैम काउंट कर रहा है और इससे डेटा को ट्रांसफर ले रहा है, पर किस रूप में, डेटा के लिए नहीं रैम के लिए। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अपने वीडियो में पेन ड्राइव को कन्वर्ट करना सिखाया, उसके बाद आपको टेस्ट करके भी दिखाया दोस्तों। ये देखिए ये जो रिमूवेबल ड्राइव है ये एज ए रैम 17% 6% हम पेन ड्राइव से डाटा को डेटा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कोई कॉपी नहीं कर रहे, फिर भी पेन ड्राइव यूज हो रही है दोस्तों। आपके सामने रिजल्ट है 11% 18% 29% और ये 50% भी गई थी बीच में। तो दोस्तों ये पेन ड्राइव इस समय डेटा स्टोर नहीं कर रही, ये क्या कर रही है रैम के लिए काम कर रही है दोस्तों। जो इस कंप्यूटर में काम हो रहा है वो एज ए रैम पेन ड्राइव कर रही है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, यूजिंग द पेन ड्राइव एज ए कंप्यूटर सिस्टम, ये हमारी पेन ड्राइव है जो पूरी की पूरी एज ए रैम काम कर रही है। तो ऐसे मजेदार ट्रिक्स को लेने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, बेहद ही सिंपल है, आप किसी भी ब्राउजर में जाए, आप वेबसाइट खोलिए youtube.com और यूट्यूब ओपन कीजिए, यूट्यूब के सर्च बार में बहुत कम, आपके नॉलेज के लिए बता रहे हैं, बहुत कम यूट्यूबरों को, बड़े बड़े प्रोफेशनल कमर्शियल यूट्यूबरों को ये लिंक नहीं मिला होता दोस्तों। ये मशीनी लैंग्वेज का लिंक होता है लंबा सा, एक YZ एक कोडिंग के रूप में हमारे चैनल पे आए, हमारा चैनल बहुत पुराना यूट्यूब चैनल है, हमें यूट्यूब की तरफ से 28 लिंक मिला हुआ है। हेम सिंह सिरसा, हेम सिंह मेरा नाम है, सिरसा मेरी सिटी का नाम है, एंटर कीजिए, हमारा चैनल सर्च आउट आएगा, कोई चैनल दूसरा नहीं आएगा आपके सामने। देखिए अभी मैं अपने ऑफिशियल ID से नहीं हूँ, लॉग इन नहीं हूँ, तो सब्सक्राइब बटन आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ सब्सक्राइब कीजिए, अभी थोड़ी देर में यहाँ पे हमारा नया वीडियो आ जाएगा, पुराना वीडियो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ भी सब्सक्राइब का बटन है, यहाँ से वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, चैनल गुड लगा, तो दोस्तों एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, ताकि हम आपके लिए ऐसे मजेदार कंप्यूटर वीडियो ट्रिक्स लाते रहे। तो एक बार जाते जाते लास्ट में फिर से दोबारा आपको बता दें करना क्या है दोस्तों, आपको माई कंप्यूटर में जाना है, पेन ड्राइव लगाना है, कितने भी 4 GB 5 GB 32 GB जो भी पेन ड्राइव आपके पास है राइट क्लिक करना है, ये पेन ड्राइव हटा देता हूँ, रेडी टू बूस्ट में जाना है। अगर आपको पेन ड्राइव को एज ए रैम यूज करना है तो डेडिकेटेड बचा हुआ स्पेस यूज हो जाएगा, नहीं करना है एज ए पेन ड्राइव चलाना है तो डू नॉट यूज दिस डिवाइस। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, क्या मजेदार वीडियो था, आप पेन ड्राइव को एज ए रैम बना सकते हैं दोस्तों, कीमत भी कम, 32 GB की रैम लेने जाएंगे तो दोस्तों 15,000 रुपए की है, मात्र 500 रुपए की पेन ड्राइव लाइए, राइट क्लिक कीजिए, रेडी टू बूस्ट में जाए,
and then dedicated to ready to boost. Then आपकी RAM total pen drive RAM का इस्तेमाल करेगी दोस्तों, और क्या चाहिए? ऐसे मजेदार videos, tricks, computer tricks के लिए using a pen drive as a computer RAM, इसके लिए मजेदार video के लिए like, share, comment, आप comments कर subscribe करेंगे दोस्तों. Thank you.